कहानी की शुरुआत में हमें स्पेयर नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। उसके साथ एक डायनासोर भी होता है जो उसका दोस्त होता है। स्पेयर समुद्र में जाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन स्पेयर ऐसा नहीं कर पाता, जिससे वो गुस्सा होकर जोर से चिल्लाता है। फिर उसे एक पत्ता पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर स्पेयर को एक नाव बनाने का आइडिया आता है। नाव बनाने के लिए स्पेयर जंगल में लकड़ी काटने लगता है, जिसे देखकर डायनासोर भी स्पेयर की मदद करने लगता है, जिससे वो दोनों नाव को जल्दी से बना लेते हैं। स्पेयर नाव को पानी में उतारने लगता है लेकिन डायनासोर नाव में आने से मना कर देता है, जिसे देखकर स्पेयर जंगल से बहुत सारे कीड़े को लाकर नाव में रख देता है, जिसे देख डायनासोर नाव में आ जाता है। फिर नाव समुद्र में चला जाता है। वो दोनों बारी बारी से नाव को चलाते हैं। रात को उन्हें बहुत सारे चमकीले समुद्री जीव दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। फिर सुबह स्पेयर खाने की तलाश में समुद्र में चला जाता है। कुछ देर बाद उन्हें एक बड़ा सा कछुआ दिखाई देता है। उसे वो दोनों मिलकर मारकर खा जाते हैं तथा उसके कवच को धूप से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तभी मछलियों का एक झुंड वहाँ से गुजरता है, जिसमें से वे कुछ मछलियों को पकड़ कर खा जाते हैं। फिर वहाँ पर उड़ने वाले डायनासोर आ जाते हैं, जो स्पेयर और उसके डायनासोर पर हमला कर देते हैं। तभी मौसम खराब होने लगता है। समुद्र के लहर से एक बड़ा सा शार्क उड़ने वाले डायनासोर पर हमला कर देता है, जिससे स्पेयर की नाव टूट जाता है, जिससे वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। शार्क स्पेयर पर हमला कर देता है लेकिन स्पेयर शार्क से बच जाता है। स्पेयर शार्क की नाक पर हमला कर देता है, जिससे शार्क स्पेयर को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। स्पेयर लकड़ी की सहायता से शार्क की नाक पर हमला करता है, जिससे शार्क वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर एक बिजली गिरता है, जिससे स्पेयर और डायनासोर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। डायनासोर किनारे पर पहुँचकर स्पेयर को ढूंढने लगता है लेकिन स्पेयर उसे कहीं नहीं दिख मिलता, इसलिए वह